तेज 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे नए अपडेट न्यूज को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। कृष्णा नगर विश्वपुरिया के खरीक जिला भागलपुर क्षेत्र में दिनांक 30/4/2018 से 1/5/2018 तक संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी की तीसरा सत्संग समारोह मनाया जा रहा है। इस समारोह में अलग अलग जगहों से लोग उपस्थित हो रहे हैं और सत्संग समारोह में कबीर साहिब की किताबें भी उपलब्ध कराई गई है। इस समारोह के माध्यम से धर्मानुरागी माता बहनों देवियों बच्चे नौजवानों में चेतना जगाने हेतु मानव समाज को शुभ सुलभ सरल मार्ग बताने तथा जीवन को सजाने का तथा शांति पूर्णता और आनंद प्राप्त करने की चेष्टा इस सत्संग समारोह द्वारा किया गया है। तो मालूम था ना, हम तो सैंपल हैं, हम सिर्फ आपको वातावरण बना देंगे, जुटा देंगे मनोरंजन जरा। मैं शरीर नहीं हूँ, कोई आदमी कहता मैं शरीर हूँ नहीं। ये कृष्ण नगर बिस्पुरिया खरीक जिला भागलपुर। आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम है कबीर मठ सतनगर सजौरी कुराडी थाना जिला भागलपुर। इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत ये है कि जो है 40 साल से वो मठ के जो है विवादी कारण से जो है 45 एकड़ 9 डिसमिल जमीन है। कोई किसी 15 एकड़ जमीन स्कूल में ले रहा है, कोई किसी प्रकार के ले रहा है, और संत जो भी रहते हैं उसका ताला लगा करके और रूम का जो है फिरा रहा है। ये दिक्कत है, वहाँ संतों का रहने का कोई ठिकाना नहीं है और 100 ग्राम चावल खाने के भी ठिकाना नहीं। तो आपने ये क्या पुलिस पे एफआईआर किया था? हाँ, ये सब प्रक्रिया जो गवर्नमेंट के थिंग चल रहा है। इससे क्या कोई मतलब आपको? अभी तो हमने खास करके जो है नहीं किया, जो पहले के जो हमारे संत थे और उन्होंने जो कुछ किया हो और मेरे पास उसका कागजार अभी। क्या नाम हुआ? ब्रह्मचारी वीरेंद्र दास। आप वहाँ पे भागलपुर में एक मठ है उनके बारे में कुछ, आप वहाँ पे रह चुके हैं पदभार में कुछ दिन पहले, ये गोराडी में संजीवनी में जो है नहीं सतजोड़ी हाँ सतजोड़ी वहाँ पर ले गया था चंचलो। इस समय वो सांसद थे ना, वहाँ रहने के लिए मुझे वहाँ जो भी रहेंगे कोई ब्रह्मचारी संत ही रह सकते। तो वहाँ पे क्या कोई वहाँ प्रॉब्लम हमको बुझा रहा है कि वहाँ तो जमीन सदगुरु कबीर साहेब के नाम से लगभग 100 बीघा के लगभग वह जमीन है, लेकिन वहाँ के लोग जो है उस जमीन का सारा अपने घर परिवार के भी यूज कर रहा है और मंदिर और मठ के ऊपर जरा सा भी कोई ध्यान नहीं। आज 300 बरस से लगभग वहाँ एक भी सत्संग नहीं हो रहा है, न कोई कार्यक्रम हो रहा ना हुआ, कोई मठ मंदिर के लिए कोई उसके लिए प्रयास लोग गांव के या जो भी उस जमीन से फसल या जो भी आ रहा तो वो जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं है कि इसको मरम्मत किया जाए, मठकुटी को बनाया जाए। इसके लिए हमारे इनके बारे में क्या पुलिस को भी कोई एप्लीकेशन दिया गया? पुलिस के हमारे बाद में हम लोगों को 5 को मिलकर साधु वहाँ रहने के लिए विचार किया गया, वहाँ के पंचायत समिति मुखिया वगैरह सब सारे हम लोगों को हेल्प किया, लेकिन बाद में जब हम लोग कड़ाई में आए कि संपत्ति सदगुरु कबीर के नाम से इसका सही इस्तेमाल हो और सही ढंग से इसमें लगे, सारे गांव के लोग हमारे ऊपर निगरानी रखे कि हम लोग कोई साधु इसमें से गलत तरीके से। सबसे पहले बता रहे हैं कि वहाँ जो हम लोग 5 साधु जो रहे उसमें जो कमिटी वहाँ की समाज हम लोगों को चुना, तो हम लोग चाहे कि वहाँ रहकर इसका विकास करें। इतने इतने जमीन है, ना सत्संग हो रहा है कभी, ना उसका बाउंड्री चाहे किसी तरह का काम हो रहा है, ना एक साधु की रहने लायक बढ़िया सी जगह है। तो उस पहले तो हम लोगों को सहयोग किया सभी जितने भी प्रतिनिधि थे और लिख कर हम लोग थाना वगैरह सगर दिया, लेकिन बाद में सभी जो है फिर गलत तरीके से यूज करने के कारण ये लोग कड़ाई ले लेगा तो हम लोगों को चलेगा नहीं, इसलिए मिलकर वो लोग हम लोगों को पलट दिया, पुलिस प्रशासन भी हम लोगों को पैसा।